क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानी दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक, वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए, जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आवेगी उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा तो पावर आपके घर पर आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता, जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है, जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 एक घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से वो मैनुअल दो घंटा में जाकर 2 किलो पीसा करता, अरे 2 घंटा में ठोक दे पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे, आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन दिए बैठे थे, जो तीत कीकर के लटका तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया, फिर इस पावर के काम देखियो आप, ठीक है। ये एड्रेस कार्य होते हैं, इस यहां की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने नारा दिखाई देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे ऐसे सुख देगा आपको, और आप किसी को बताओगे आपको शर्म आओगी कि गंदे नाटेगा और मैंने झूठा बनाओगा, एक झूठ बोल रहा है, अगर आपका कलजा फट खट फटन हो रहा होगा किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिरता चारों खा, चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। गुणात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहां से पीछा छुटवाने का, ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा आपको आत्मा से ग्लानी हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टिकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है, वह देवता बनाकर इंद्र बना करके
वहाँ बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहाँ ऐसे 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 जुगाड़ जोड़ रखे हैं और आपके ही कमाई से अपना यो धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुनों का 10% किसी रेस्टोरेंट में इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है, उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो भिखारी है सो भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुण्यात्मा यहां परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो, सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहां आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहां का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले यानी सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ जब चले, कहते संत में लड़कों चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखोगे फिर माया अभिमान से लेस होकर के, रहित होकर के, एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे। आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको। एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा। चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपने किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं, जैसे किलोमीटर होते हैं। तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है, और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है, तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे, वैसे ही जहां लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए
संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहां का किक्के लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानी दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक, वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए, जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा तो पावर आपके घर पर आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता, जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है, जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 एक घंटे में ढेर लगा देती है, आटा पीसा करते हाथ से वो मैनुअल दो घंटा में जाकर 2 किलो पीसा करता, अरे 2 घंटा में ठोक दे पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे, आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो तीत कीकर के लटका तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया, फिर इस पावर के काम देखियो आप, ठीक है। ये एड्रेस कार्य होते हैं, इस यहां की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने नारा दिखाई देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे ऐसे सुख देगा आपको, और आप किसी को बताओगे आपको शर्म आओगी कि गंदे नाटेगा और मैंने झूठा बनाओगा, एक झूठ बोल रहे अगर आपका कलजा फट खट फटन न हो रहा होगा किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। उन आत्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहां से पीछा छुटवाने का, ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा आपको आत्मा से ग्लानी हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टिकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता।
ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है, वहां देवता बना के इंद्र बना करके वहां बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहां ऐसे 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 जुगाड़ जोड़ रखे और आपके ही कमाई से अपना यू धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10% किसी रेस्टोरेंट में इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है, उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुण्यात्मा यहां परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो, सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहां आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहां का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले यानी सतलोक आश्रम दरवाला की तरफ जब चले, कहते संत में लड़कों चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखोगे फिर माया अभिमान से लेस होकर के, रहित होकर के, एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे। आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको, एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा। चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपने किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं, जैसे किलोमीटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है, और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है, तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे, वैसे ही जहां लेटने को कहे वही लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान,
तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ के किक के लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।